सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिट विद अनीशा। और आज हम बात करेंगे जो हमारा मोस्ट रिलेटेबल टॉपिक है, हाउ टू लूज मम्मी टमी, मतलब जो पोस्ट प्रेगनेंसी वेट है उसको कैसे हम कम कर सकते हैं। मेरे को बहुत सारे लोगों ने इंक्वायरी किया था कि हम इस चीज़ पे वीडियो बनाएं। तो सबसे पहले कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है कि हम पोस्ट प्रेगनेंसी जब भी हमारी वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो कि कम से कम 4 मंथ के बाद में आप अपनी वेट लॉस की जर्नी को स्टार्ट करें प्रेगनेंसी के बाद में। और सेकंड जो चीज़ है कि हमें एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं करना है। जब भी आप अपनी पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करें तो उसको धीरे धीरे हमें स्टार्ट करना है, क्योंकि आप ये समझें कि हम एक बहुत अच्छे माइलस्टोन से गुजरे हैं और हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव आए हैं। उन बदलाव को समझते हुए धीरे धीरे करते हुए हम हमारे फिटनेस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। आज मैं कुछ 4 से 5 एक्सरसाइज आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी जिनको आप 3 to 4 मंथ के बाद में ही स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो है वॉकिंग। यस, चलना शुरुआत करें। जितना पहले 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, धीरे धीरे सबसे पहले अपने वॉकिंग टाइम को हमें बढ़ाना होता है, उसके बाद हम वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। जो सेकंड वर्कआउट हो सकता है वो हो सकता है स्क्वाट्स, 5, 10, 15, 20, जितना स्क्वाट्स कर पाए उतना आपको करना है। थर्ड जो एक्सरसाइज है बहुत ही बेस्ट है, जिसको बोलते हैं लेग राइजेस। सीधा लेट जाएं और अपने पैरों को एकदम सीधा 90 डिग्री आपको लेके जाना है, और इसमें आप अपनी कोर को जो है थोड़ा सा टाइट रखें, और जब आप सीधा करने लगें तो धीरे धीरे अपने पैरों को थोड़ा सा आप और पीछे की तरफ ले जा सकते हैं। जितना अपने बॉडी को पुश कर पा रहे हैं उतना अपने शरीर को पुश करेंगे, और धीरे धीरे थोड़ा और जितना बैक तरफ आप ले जा सकते हैं उतना हम लेके जाएंगे। इसके बाद में आता है हमारा फोर्थ एक्सरसाइज, जो कि रहेगा हिप लिफ्ट्स। इसके लिए आप अपनी कोर स्ट्रेंथ को टाइट रखें और अपने बेली वाले एरिया को एकदम ऊपर उठाएं एंड डाउन। इसको शुरुआत में 1 मिनट 2 मिनट तक आप कर सकते हैं। ये आपका डाइजेशन ठीक करने में भी आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद हमारा डाइजेशन लेवल थोड़ा ठीक नहीं होता, तो उस चीज में भी आपको देखेंगे कि आप बहुत ज्यादा इस वर्कआउट के बाद में आप रिलीफ महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे ये वर्कआउट अपने डाइट प्लान, अपने डेली लाइफस्टाइल में ऐड करते चले। पांचवा और जो आखिरी है वो है प्लैंक। प्लैंक को आप 20 सेकेंड और 2 मिनट तक लास्ट कर सकते हैं। ये आपके बेली फैट को एकदम से बिल्कुल खत्म करेगा। और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप कर